बात ये नहीं है, बात झूठ और सच की है, जिसका फैसला अब हो जाना चाहिए ना। आनिया भी कोई ऐसे सफाक नहीं कि किसी को मारने की कोशिश कर दे, जानते हैं आप इसे। यार अंतहा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं तो हो सकती है ना। देखिए हो सकता है कि उसका पांव फिसला और उसको लगा होके धक्का दे दिया किसी ने। ये घटिया इल्जाम ही रह गया था, वो भी लगा दिया मेरी आनिया पर। हाँ भाई, अल्लाह हिदायत दे मुंतहा को। अम्मा मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा हुआ जो कुछ भी उसके साथ हुआ। हर वक्त इतराती फिरती थी जब से इसको ये खुशखबरी मिली। आप अपनी बेटी से भी कहें कि बेवकूफों वाली हरकतें करना ना छोड़ दे। ये तुम भी कसूरवार मुझे ही समझ रही हो मुंतहा की तरह। जब तुम्हें पता है कि वो रोहेर भाई को लेकर इतना पजेसिव है तो तुमने उनके कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? क्या रिश्ता है तुम्हारा और उनका? आनिया क्यों बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हो तुम? फिर तो सही बात पे हमाद भाई खफा है। देख रही है जरा इसे, जब सगी बहन का ये हाल है तो दूसरे पराये लोगों का मैं क्या कहूँ? वो तो आके सर पे बैठ जाएंगे मेरी बेटी के। देखो गुलनाज, तुम भी जरा ठंडे दिलो दिमाग से बात किया करो। हर बात पर इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। इतने दिनों बाद आई थी वो, फिर उसे खफा कर दिया। जो सच है मैं तो रोहिल साहब आपको वही बताऊंगी। मतलब आने ने शर्ट नहीं फेंकी थी जमीन पे? नहीं नहीं, बल्कि ममता बीबी ने तो जबरदस्ती छीन कर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरी और गिर गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब एक चीज की तस्दीक करवा ली है तो फिर बाकी मामलात की भी करवा लीजिए। जिसने बदगुमानी की दीवार खड़ी कर दी हम सब लोगों के तरफ। आनिया कहाँ है? वो काफी देर से अपनी अम्मी के घर गई है। ठीक है।